हेलो एंड वेलकम टू एक्सक्यूज मी सर। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में। सो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म? डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म एनालाइजेस द एम्स एंड द मेथड्स ऑफ ए वर्क। सो डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म डिस्कस करती है किसी वर्क को और किसी टेक्स्ट का एम को, जिसकी जरिए से राइटर अपना व्यू प्रेजेंट करता है। ये बेसिकली राइटर्स की एम और मैसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट, इट एक्सप्लेन्स द वर्क एज इट इज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओके, इस क्रिटिसिज्म टेक्स्ट की ओरिजिनल फॉर्म को प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, इट डिस्क्राइब्स इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स, सेटिंग्स, डिटेल्स एट्सेट्रा। टेक्स्ट के अंदर जो कैरेक्टर है उसका पर्पस क्या है, उस टेक्स्ट का प्लॉट किस लिए बनाया गया है, ये सारी खुल के बताती है डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म के जरिए से। नेक्स्ट, इट प्रेजेंट्स द इंटर रिलेशनशिप्स अमंग द एस्पेक्ट्स और विद इन द वर्क। टेक्स्ट के अंदर जो फैक्ट है, जो प्लॉट है, जो कैरेक्टर है, उन सारी चीजों में एक बॉन्डिंग होता है और वही बॉन्डिंग और इंटर रिलेशनशिप्स किस तरह से राइटर का एम को, राइटर का व्यू को प्रेजेंट करता है, वही बताया जाती है डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म में। जॉर्ज वाटसन ने कहा कि डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म राइटरों को शत्रु से बचाता है, यानी किसी टेक्स्ट में नेगेटिव क्रिटिसिज्म ना हो पाए इसलिए राइटर पहले ही खुद का जस्टिफिकेशन दे देता है उनकी वर्क के बारे में। दोस्तों एक बात नोट कीजिए, डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में किया जाता है और एक क्रिटिसिज्म किसी राइटर का भी हो सकता है और किसी क्रिटिक का भी हो सकता है जिन्होंने राइटर का एम को डिस्कस करता है। जॉन ड्राइडन का जो एसे ऑन ड्रामेटिक पोएट्री है उनको पहला डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म माना जाता है, सबसे अर्लीस्ट क्रिटिसिज्म, डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म।